हेलो, वेलकम टू द चैनल आई क्यू द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसा कि आपको पता है, आज है 18 फरवरी 2023। तो आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हेन हैज वर्ल्ड पल्सिस डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो रिसेंटली हमने वर्ल्ड पल्सिस डे सेलिब्रेट किया, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी है। तो 10 फरवरी को हम हर साल वर्ल्ड पल्सिस डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, और 4 फरवरी को हम हर साल वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं, और अगर हम 6 फरवरी की बात करेंगे तो वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 10 फरवरी को हम वर्ल्ड पल्सिस डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड ए नेशनल डिजास्टर इन द मिडस्ट ऑफ सेवियर एनर्जी क्राइसिस। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो है रिसेंटली नेशनल डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर किया गया इन द मिडस्ट ऑफ सेवियर एनर्जी क्राइसिस। इसके अलावा आपको पता है कि रिसेंटली जो है ये अनाउंस किया गया है कि ब्रिक्स का जो समिट है वो भी जो है साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो हेड किया जाएगा। अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर में चाइना ने इसको होस्ट किया था। अगर हम प्रेजेंट के अंदर देखेंगे तो प्रेजेंट में G20 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, G20 की जो मीटिंग्स है इसको इंडिया होस्ट कर रहा है, और अगर हम G7 की बात करेंगे तो G7 को जापान होस्ट कर रहा है। आगे देख, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वेयर हैव लिथियम रिजर्व बीन फाउंड। तो रिसेंटली हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है लिथियम रिजर्व जो है वो दिखाए गए हैं, मौजूद किए गए हैं, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है लिथियम प्रेजेंट है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इन रिजर्व्स को जो है देखा गया, और 5.29 बिलियन टन जो है इसका टोटल रिजर्व जो है देखे गए हैं रियासी के अंदर। ये एक अच्छी अचीवमेंट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो है ही, तो इसके अलावा पूरी इंडिया के लिए भी जो है ये एक अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि अब अगर हम देखेंगे तो जो फ्यूचर है वर्ल्ड का वो बैटरीज के ऊपर है, और अगर हम देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें आजकल बन रही है वो लिथियम से ही बन रही है, तो इसलिए लिथियम को जो है वाइट गोल्ड भी कहा जाता है प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन दोस्त टू हेल्प टर्की एंड सीरिया। तो इसका सही आंसर जो है ये मैंने कल भी बताया था कि इंडिया के द्वारा जो है ऑपरेशन दोस्त जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर ये टर्की और सीरिया की हेल्प करेगी। यहाँ पे तो टर्की है, अब ये याद ना रखें कि अभी भी हम देखते हैं यही, लेकिन टर्की ने अपनी कंट्री का नेम जो है रिनेम किया है, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब टर्की का नाम जो है तुर्की है, TURKEY यहाँ पर लिख लेता हूँ, तुर्की है इसका। अब नेक्स्ट नेम, विच इंडियन गोल्फर हैज रिसेंटली वॉन द केनिया लेडीज ओपन टाइटल 2023। तो अदिति अशोक जो है जो कि गोल्फ खेलती हैं, तो इन्होंने जो है रिसेंटली केनिया लेडीज ओपन टाइटल जो है 2023 का अपने नाम किया है। रिसेंटली विच कंट्री विल रिमूव चाइनीज कैमराज फ्राम इट्स ऑफिस ड्यू टू एस्पियोनेज कंसर्न। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि जितने भी उनके ऑफिसेज है, गवर्नमेंट ऑफिसेज, वहाँ उनसे ये चाइनीज कैमराज को जो है वो रिमूव करने जा रहे हैं ड्यू टू एस्पियोनेज कंसर्न्स की वजह से। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो चाइना का रिसेंटली जो है USA के ऊपर जो है इनके वो बैलून्स जो है वो देखे गए थे, जिनको जो है USA गवर्नमेंट ने जो है नीचे गिरा दिया है। तो अब जो है चाइना ने अगर अनाउंस किया है कि USA के अप्रोक्सीमेटली 10 बैलून जो है वो चाइना के एरोस्पेस को जो है वायलेट कर रहे हैं। तो अब कितनी सच बात है कितनी नहीं है, तो अब दोनों कंट्रीज अगर हम देखेंगे तो सुपर पावर्स दोनों कंट्रीज है, तो अब इन सुपर पावर्स की जो लड़ाई है वो इनसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही होती है, तो बाकी कुछ नहीं है। इसके अलावा इंडिया के साथ भी जो है चाइना भिड़ता रहता है, तो लेकिन इंडिया आपको पता है कि कितना पावरफुल है, तो इससे मुकाबला नहीं हो सकता है। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च स्निफिंग रोबोट टू डिटेक्ट डिजीजेज एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी चेक्स। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, इसराइल। तो इसराइल ने जो है स्निफिंग रोबोट जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जो डिजीजेज को डिटेक्ट कर सके और सिक्योरिटी चेक्स को जो है वो इम्प्रूव कर सके। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसराइल के अंदर जो है जो ड्रोन्स है उनको परमिशन दी गई थी वो जो है ह्यूमन एरिया के अंदर भी जो है वो चल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसराइल के जो प्रेसिडेंट है तो बेंजामिन नेतन्याहू है। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा कि स्निफिंग वैक्सीन जो COVID-19 का था वो रिसेंटली इंडिया ने जो है वो लॉन्च किया था। अगर हम प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन जो है वो कनाडा के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था, तो वो भी जो है याद रखें। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली ऑन द 120th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच एक्ट्रेस ऑफ मलयालम सिनेमा।
गूगल हैज पेड ट्रिब्यूट थ्रू ए डूडल। तो इसका सही आंसर जो है पी के रोजी। आगे बढ़ते हैं, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। तो लखनऊ के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। तो 10th रैंक जो है, अगर हम इंडिया का रैंक देखेंगे तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अंदर जो है इंडिया का रैंक 10th है। लास्ट ईयर इंडिया का रैंक 8th था। अगर हम नंबर वन पोजीशन की बात करेंगे तो नंबर वन पे जो है यूएसए आता है, ये भी जो है याद रखें। वेयर हैज द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स रिसेंटली स्टार्टेड। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर ने जो है 3rd एडिशन को जो है वो होस्ट किया, तो इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने जो है वो जीते। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो रिसेंटली जो है आइस हॉकी चैंपियनशिप भी जो है वो खेला गया था लद्दाख के अंदर, जिसका 5th एडिशन खेला जा रहा था, तो जिसके अंदर जो है बीएसएफ ने जो है इस टाइटल को अपने नाम किया था। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ड्रग मेकर्स फाइजर टू हेड इट्स इंडियन बिजनेस रिसेंटली। तो मीनाक्षी नौतिया को जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज ए ड्रग मेकर प्रोफाइजर की तरफ से जो है एज ए हेड अपॉइंट किया गया है इन द इंडियन बिजनेस के अंदर। तो याद रखें मीनाक्षी नौतिया को जो है हेड अपॉइंट किया गया है ड्रग मेकर फाइजर कंपनी की तरफ से इंडियन बिजनेस के लिए। विच बैंक हैज रिसेंटली स्टार्टेड ए पायलट प्रोजेक्ट टू लॉन्च कॉइन बेंडिंग मशीन्स। तो आरबीआई इसका सही आंसर है। तो शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के प्रेसिडेंट है वो आपको पता है। हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द चीफ एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा। तो चीफ एस्ट्रोनॉट की अगर हम बातें करेंगे तो जो अचाबा जो है इसके चीफ एस्ट्रोनॉट है, तो बिल नेल्सन जो है वो नासा के प्रेजिडेंट के अंदर जो है प्रेजिडेंट है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी जो है नासा की फुल फॉर्म। रिसेंटली निसार सैटेलाइट हैज बीन डेवलप्ड बाय इसरो एंड विच कंट्री स्पेस एजेंसी। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। तो याद रखें इसरो और नासा जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, इसरो और नासा के बीच में जो है टाई अप किया गया है, जिसकी वजह से इन्होंने जो है एक निसार सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया। तो याद रखें, इसी के साथ आज के करंट अफेयर जो है खत्म होते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे और वीडियो किसी भी एंगल से आपको पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को जो है लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ज़रूर बताया करें कि कमी कहां पे लगती, ताकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है, पूरा वीडियो कंप्लीट किया, अब जाके मैं अपनी चैनल की प्रमोशन के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ऑर्डर नहीं कर, बल्कि एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जरूर इस चीज का जो है मुझे भी फायदा दिलाएं और खुद भी जो है आपको बेनिफिट होगा और दूसरे लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।